हेलो गाइस, वेलकम टू माइनस प्लस एकेडमी। तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में सेट्स का डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ सेट्स बताया था, टू फॉर्म्स ऑफ सेट्स। सो इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए कुछ कुछ टॉपिक कराऊंगा। सो अगर मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, वो देख लो, उसके बाद ये लेक्चर देखो। तो आज हम लोग पढ़ेगा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स मतलब सपोज लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, तो ए इक्वल टू बी कब होगा? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। मतलब ए और बी दो अलग अलग सेट्स हैं, दोनों इक्वल तभी होगा जब ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा और बी का भी हर एक एलिमेंट ए में होगा। फॉर एग्जाम्पल ए 1 2 3 लिया, बी 1 3 4 लिया, तब देखो यहां लोग देखता है ए और बी इक्वल है या नहीं। ए में कितना एलिमेंट्स है? तीन है, यहां भी तीन एलिमेंट्स है। ए में 1 है, बी में भी 1 है, ए में 2 है पर बी में 2 नहीं है, तो दैट मीन्स ए और बी इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, बिकॉज ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है। डेफिनेशन ये बोलता है कि ए का सारा एलिमेंट बी में होना होगा और बी का भी सारा एलिमेंट ए में होना पड़ेगा, और बी का ए का एलिमेंट सारा बी में है ही नहीं, डेफिनेटली इक्वल टू बी नहीं है। पर वहीं पे हम इसको 2 कर देता है। अब देखो 1 2 3, तो ए में 1 है तो बी में भी 1 है, ए में 2 है तो बी में भी 2 है, ए में 3 है तो बी में भी 3 है। ऑर्डर अलग पर है ना, तो मतलब यहाँ पे बोल सकता हम लोग ए इक्वल टू बी। तो एक और चीज का ध्यान रखना, दो सेट अगर इक्वल होना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होना पड़ेगा। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए में ले लेते हैं 1 2 3 और बी में ले लेता है 1 2 3 4, तो तुमको एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, ऐसे ही इक्वल नहीं होगा, बिकॉज इसमें एक एलिमेंट ज्यादा है, एक एलिमेंट ज्यादा है, मतलब इसे 4 एक ज्यादा है जो कि इसमें है पर ए में नहीं है। ये सेकंड वाला डेफिनेशन बताता है कि सारा होना पड़ेगा, पर सेकंड वाला डेफिनेशन को ये फॉलो नहीं करता। तो पहला तो चेक ये करना नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या नहीं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे इसमें 3 है, इसमें भी 3 हुआ, तो फिर हम लोग आगे देखेगा है या नहीं। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही अलग हुआ तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल तभी होता है जब हर एक एलिमेंट एक में होता है। तो हम लोग एक और तरीका से लिखते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स बिलोंग्स टू ए हुआ इंप्लाइज देन सॉरी ए इक्वल टू बी इफ एक्स बिलोंग्स टू बी। सॉरी हम गलत बोल रहे, डेफिनेशन अच्छा, जब हम बोलता है जे एक्स एक एलिमेंट है इज इन ए, मतलब क्या एक्स बिलोंग्स टू ए, और हम बोलेगा वाई एक एलिमेंट है इज इन बी, मतलब क्या वाई बिलोंग्स टू बी। तो इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज वाई बिलोंग्स टू ए, देन हम लोग बोलते हैं ए इक्वल टू बी। हम इसी को बस मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, मतलब ए में जितना एलिमेंट है बी में भी हुआ, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी मतलब बी में जितना एलिमेंट है अगर ए में भी हुआ तो हम लोग बोलते हैं ए इक्वल टू बी। इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस सिंबल को हम एक्सप्लेन किया मैं लास्ट लेक्चर में, तो इस सिंबल को होता है बिलोंग्स टू, और ये हो गया इम्प्लाइज। तो ये था इक्वल सेट्स का डेफिनेशन, अदरवाइज हम लोग बोलता है ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो पहला ए में हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कितना एलिमेंट्स है पिक्चर में। अब आता है सबसेट में, हम लोग इक्वल सेट्स को सबसेट का डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर सकता है।
सबसेट किसको बोलते हैं? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बस हम लोग पहला डेफिनेशन उठा रहे हैं, हम लोग सेकंड से मतलब नहीं। अगर ए का सारा एलिमेंट बी में हुआ तो हम लोग बोलता है ए बी का सबसेट है, और सबसेट का सिंबल है ये। तो हम लोग अगर बोलना है ए बी का सबसेट है, मतलब लिखिएगा ए सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, अब बी ले लेगा 1 2 3 4। तो देखो ए सबसेट ऑफ बी मतलब क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, मतलब ए बी का अंदर है, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी। मीनिंग वही है, ए बी का अंदर में है, ए का सारा एलिमेंट बी का अंदर है, इसलिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर सपोज हम 2 को हटा देता 1 5 3 4, अब देखो 1 और 3 ए में है, 1 और 3 बी में भी है, पर ए में 2 है पर बी में नहीं है, इस केस में हम लोग बोलेगा ए नॉट सबसेट ऑफ बी। नॉट सबसेट के हम लोग काट देगा, जैसे इक्वल मतलब ये, तो नॉट इक्वल क्या होता है, ये बस एक लाइन काट देना, वैसे अगर ये सबसेट है तो ये नॉट सबसेट है, बस ऐसे काट देने से हुआ। तो सबसेट में यही है कि हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट को बी में होना पड़ेगा, सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी होता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग इक्वल सेट का डेफिनेशन को देखें, तो पहला लाइन के हिसाब से ए सबसेट ऑफ बी है बिकॉज ए का सारा एलिमेंट बी में है, और दूसरा लाइन के हिसाब से एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, मतलब बी भी ए का सबसेट है। तो अगर ये दोनों एक साथ हो तब हम लोग बोलता है ए इक्वल टू बी, जब ये दोनों एक साथ होता है तब हम लोग बोलता है ए इक्वल टू बी। फॉर एग्जाम्पल सेम ए इक्वल टू ए बी सी ले लेते हैं, एंड बी इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी ए। तो पहले देख लेते हैं ए सबसेट ऑफ बी है नहीं, ए का सारा एलिमेंट ए बी सी है, और ए कोमा बी कोमा सी बी में भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी है। तो वहीं पर उल्टा देखेंगे तो बी का सारा एलिमेंट भी ए में है, बी में भी बी सी है, तो इसमें बी सी ए है, तो हम लोग बोल सकते हैं बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, तो दैट मीन्स ए इक्वल टू बी। तो अगर हम लोग कोई भी सेट अगर इक्वल दिखाना है, हम लोग बस ये दो दिखाते चल जाएगा और कुछ नहीं, इक्वल दिखाने के लिए हम लोग को ये दो दिखाना पड़ेगा। अगर मैथमेटिकली शो करना है तो हम लोग अगर ये दो दिखा दे तो हम लोग बोल सकते हैं सेट इक्वल है, और ये नहीं दिखा पाया तो नॉट इक्वल है बोलता है। इक्वल सेट में इतना ही है, और सबसेट का भी यही डेफिनेशन है। और अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखा जाए ए सबसेट ऑफ बी, सॉरी इफ ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मीनिंग वही है, अगर ए में जितना एलिमेंट ए है वो अगर बी में है तब ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा, हम बस मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा। तो हम लोग को अगर कोई भी सेट दिखाने देगा तो हम लोग हमेशा ए में एक एलिमेंट पकड़ेगा और दिखाएगा जब वो एलिमेंट बी में है तभी हम लोग सबसेट बोल सकेगा। इससे रिलेटेड सम्स करेगा, कुछ टफ नहीं, बहुत इजी है ये सेट, कुछ फास्ट सब टफ नहीं है। सो फॉर एग्जांपल सबसेट का एग्जांपल्स लेते हैं। क्यों ये क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, जेड ये क्या है इंटीजर्स, एंड ये क्या है नेचुरल नंबर्स, और आर मतलब सारा नंबर माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, सॉरी मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, नंबर तो लिख नहीं सकता, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसमें बोल सकते हैं क्लियरली आर सबसे बड़ा सेट है बिकॉज आर का अंदर सारा नंबर है, पर आर क्या क्यू आर का सबसेट है, डेफिनेटली है,
क्योंकि क्यू में सारा एलिमेंट पी बाई क्यू फॉर्म है और आर में भी वो सारा एलिमेंट है। आर में ये अगर आर है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सपोज जीरो, तो यहाँ पे वन बाई टू है, वन बाई थ्री है, सब एलिमेंट्स भरती पड़ा है। तो आर में सारा पी बाई क्यू एलिमेंट्स है, पर उल्टा है नहीं, क्या आर सबसेट ऑफ क्यू है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आर में हम लोगों का इरेशनल नंबर है रूट टू, जो कि बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर में है, पर रूट टू क्यू में नहीं है, पर रूट टू क्यू में नहीं है। मतलब आर में सारा एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट आर में, कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसा है जो क्यू में नहीं है, इसलिए आर क्यू का सबसेट नहीं है और क्यू आर का सबसेट है। ओके, कुछ भी डाउट हो क्लियरली तुम लोग कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसके थ्रू तुम लोग मेरा गूगल क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जेड का देखता है, क्या जेड क्यू का सबसेट है? क्या ये ट्रू है? तो जेड में क्या है? जीरो वन टू डॉट 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 माइनस वन डॉट डॉट, पर वहीं पे ये जेड है। क्यू में क्या है? सारा रेशनल नंबर जीरो है, वन है, टू है, माइनस वन है, पर बीच का पॉइंट भी है जो कि पी बाई क्यू फॉर्म है, माइनस पी बाई क्यू। बीच में जितना भी पी बाई क्यू सब है, तो हम लोग बोल सकता है जेड में जितना इंटीजर्स है सारा रेशनल क्यू में है, तो डेफिनेटली जेड इज ए सबसेट ऑफ क्यू। पर क्या क्यू जेड का सबसेट है? पर क्या क्यू जेड का सबसेट है? देखता है, हम लोगों को मालूम है क्यू में पी बाई क्यू है, फॉर एग्जाम्पल क्यू में वन बाई टू है, क्यू में वन बाई टू है, पर क्या वन बाई टू जेड में है? डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज क्यू सारा इंटीजर है और वन बाई टू इंटीजर नहीं, सो क्यू जेड का सबसेट नहीं है। सिमिलरली उल्टा और जाओ, एम नेचुरल नंबर जेड का सबसेट है, क्योंकि जितना भी वन टू थ्री है सारा जेड में है, जितना भी इसमें वन टू थ्री फोर है पॉजिटिव नंबर से, सारा का सारा जेड में है। पर वहीं पे जेड में माइनस वन माइनस टू है जो कि एन में नहीं है, तो यहाँ पे भी उल्टा सबसेट नहीं है, मतलब जेड एन का सबसेट नहीं है पर एन जेड का सबसेट है। तो हम लोग इससे बोल सकता है एन जेड का सबसेट है, जेड क्यू का है, क्यू आर का है। अल्टीमेटली हम लोग ये भी बोल सकते हैं एन क्यू का भी सबसेट है, एन आर का भी सबसेट है। वहीं पे जेड तो क्यू का है और जेड आर का भी है। ओके, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सॉरी क्यू डैश को हम लोग सेट ऑफ इरेशनल नंबर बोलेगा, तो क्यू डैश भी आर का सबसेट है, पर ये जेड क्यू डैश का सबसेट नहीं है और एन क्यू डैश का सबसेट नहीं है, बिकॉज क्यू में सारा इरेशनल नंबर है। वहीं पे क्यू भी क्यू डैश का सबसेट नहीं है, बिकॉज ये दोनों टोटली अलग सेट है और ये कभी इक्वल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये जस्ट डेफिनेशन है, इसमें कुछ खास है नहीं, तो इतना जस्ट ये था, जस्ट इतना याद रखना है जे एन सबसेट ऑफ जेड सबसेट ऑफ क्यू सबसेट ऑफ आर होता है। फिर आ दीजिए रियल नंबर, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, हम लोग फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। Finite and infinite. So finite, finite का meaning ही है मतलब जिसका कोई end हो, end या फिर तुम बोल सकते हो बस एक limited numbers जहाँ पे हम लोग count कर सकते हैं, पर infinite मतलब कितना है हम लोग को पता नहीं, बहुत सारा है पर कितना है नहीं पता, पर finite का मतलब होता है हम लोग को मालूम है कितना है। For example, एक set लेता है A, वन टू थ्री, इसमें कितना एलिमेंट्स है? तीन एलिमेंट्स है, तीन है मतलब क्या हम लोग मालूम है इसमें कितना एलिमेंट्स है, सो ये फाइनाइट है। पर वहीं पे जब हम लोग एन लेगा, वन टू थ्री, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फोर फाइव डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, अब क्या तुम इसे बोल सकेगा कितना नंबर्स है? डेफिनेटली नहीं, कहां तक खत्म हो रहा वही मालूम नहीं, जब मालूम ही नहीं मतलब क्या ये इनफाइनाइट सेट्स है, इस टाइप का सेट होता है इनफाइनाइट, मतलब जहां पे हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है वो देख सकता है, उसको बोलता है फाइनाइट सेट्स। जहां हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बोल सकता उसको बोलता है इनफाइनाइट सेट्स।
उस हिसाब से जेड भी हम लोग का इनफाइनाइट हुआ, बिकॉज जीरो सॉरी प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी जाता है, प्लस माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली क्यू भी इनफाइनाइट हुआ और हम लोग का आर भी इनफाइनाइट ही हुआ। तो ये सारा इनफाइनाइट सेट्स है और जो जो फाइनाइट है वो काउंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक और बी इक्वल टू हम लोग ले लेगा ए बी सी, या फिर सी इक्वल टू एक और नया सेट लेता है ए बी सी डी कोमा ई कोमा एफ। तो ये सारा फाइनाइट सेट जहां पे हम लोग काउंट कर सकता है। तो जो जो काउंट कर सकता है वो फाइनाइट है और जिसको काउंट नहीं कर सकता उसको इनफाइनाइट बोलते हैं हम लोग। ओके सो सॉरी, तो ये क्लियर है। बस वही एक बार बोल देता है जिसको हम लोग काउंट कर सकता है, मतलब जिसमें हम लोग बोल सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, काउंट नहीं, जिसमें हम लोग बोल सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है उसको फाइनाइट बोलता है, और जिसमें हम लोग बोल नहीं सकता नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है उसको इनफाइनाइट बोलता है। इससे रिलेटेड हम देगा अपना असाइनमेंट्स और एमसीक्यूज गूगल क्लासरूम में, ट्राई करो। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जैसे कि ए इक्वल टू देता है ए आई ओ यू, ये नंबर ऑफ ये सेट ऑफ वॉवल्स है ए आई ओ, इसमें कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, क्लियरली काउंट कर सकता है फाइव एलिमेंट्स है। हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू फाइव, पर इतना बड़ा लिखना टाइम वेस्ट है, बार बार कौन ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेगा। तो इसका भी एक सिंबल है एन ऑफ ए, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू फाइव। तो कहीं भी अगर एन ऑफ ए देखिए मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ही बात बोल रहा है, जैसे कि बी इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10। तो इसमें क्लियरली पता है 10 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जस्ट ये था, कुछ खास था नहीं इसमें, तो यही है हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब आता है एम्प्टी सेट जिसका दो सिंबल है, या तो फाई और सेकंड ब्रैकेट और बीच में कुछ भी नहीं, मतलब खाली छोड़ते हैं। एम्प्टी सेट मतलब खाली, कोई भी एलिमेंट्स इसमें है नहीं, तो हम लोग बोलता है नो एलिमेंट्स, यानी स्पेस छोड़ देता है, या फिर उसको फाइव से भी हम लोग ही करता है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसका जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसको हम लोग और भी बोलता है वॉइड सेट, या फिर नल सेट भी बोलता है। मोस्टली एम्प्टी सेट ही लिखा होता है, पर वॉइड सेट भी बोलता है, नल सेट भी, वॉइड भी मतलब खाली और नल मतलब ही खाली। सो फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू एक्स, ये हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, वेयर एक्स इज रैशनल। ये एक सेट लिया, तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेगा तो क्या होगा, A इक्वल टू क्या है, मतलब वो सारा x सच दैट एक्स स्क्वायर टू हो, और हम लोग मालूम है एक्स स्क्वायर टू कब होता है, जब x का वैल्यू प्लस रूट टू हो या फिर माइनस रूट टू हो, ये दो होने से ही एक्स स्क्वायर का वैल्यू टू होता है। तो मतलब क्या, यहाँ तो या फिर प्लस रूट टू होगा या माइनस रूट टू होगा, और यहाँ एक और कंडीशन दिया हुआ है, क्या बोला है कि एक्स इज रेशनल। तो क्या हम लोगों का ये दो नंबर रेशनल है, डेफिनेटली नहीं, ये दो इरेशनल नंबर है। तो मतलब ऐसा कोई अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, और एक्स जब रेशनल बोल दिया तो मतलब ऐसा कोई रेशनल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, इसका मतलब है सच दैट, ऐसे भी लिखता है या फिर ऐसे भी दे देता है, एक ही बात है, मतलब सेपरेट करने के लिए इस साइड कंडीशन देता है इस साइड वैल्यू देता है। तो हम लोग मालूम है ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई रेशनल नंबर है ही नहीं जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू हो, सो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, या फिर हम लोग फाइव भी लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देता है एक्स सच दैट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और एक एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये दो कंडीशन दिया हुआ है, इस साइड कंडीशन देता है, इसको कंडीशन बोलता है।
अब क्या बोला, वो सारा एक्स होगा सच दैट एक्स प्लस वन जीरो हो। हम लोग मालूम है एक्स प्लस वन जीरो कब होगा, जब एक्स का वैल्यू माइनस वन होगा, तभी देखो माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अगर एक्स का वैल्यू माइनस वन होगा तो एक हिसाब से सेट में क्या आना चाहिए, सिर्फ माइनस वन ही आना चाहिए। पर यहाँ एक और कंडीशन दिया हुआ है, क्या एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, क्या माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है, नहीं है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं है जो प्लस वन करने से जीरो आएगा। ऑब्वियसली कोई भी पॉजिटिव नंबर बैठा हो कभी जीरो नहीं आएगा, तो ये भी एम्प्टी है। एक और लेता है एग्जाम्पल, ए सच दैट एक्स एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10 साइमल्टेनियसली। इसमें क्या बोला है, एक सेट है एक्स का सच दैट वो एक्स क्या है क्लास 9 और क्लास 10 दोनों का स्टूडेंट है एक साथ। ऑब्वियसली ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो एक साथ 9 और 10 पढ़ रहा हो, तो ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं है जो एक साथ 9 और 10 क्लास में है, सो ये भी फाइल है। सो इतना ही एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट में।